नमस्ते दिव्यांग भाइयों, एक ऐसी योजना के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ जो आपकी किस्मत खोल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 से 59 है और आप 40% से ज़्यादा दिव्यांगता रखते हैं और आप स्टूडेंट हैं, क्या है स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए एक ऐसी भारत सरकार की योजना आई है जिसे आपको उसमें फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और उसके पास मजे मजे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं भारत सरकार की ऐसी वेबसाइट है, पोर्टल है, जो डिपार्टमेंट, आप देख सकते हैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी दिव्यांगजन पीएम दक्ष। जी हाँ दोस्तों, पीएम दक्ष योजना है। पीएम दक्ष पोर्टल पर अगर आप स्टूडेंट हैं, दिव्यांग हैं, अगर तो आप रोजगार की चाह में इधर उधर भटक रहे हैं, तो अब से आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। अगर आप रोजगार चाहते हैं निजी क्षेत्रों में, प्राइवेट कंपनियों में अच्छे रोजगार लेना चाहते हैं, अच्छे पैकेजों पर लेना चाहते हैं, तो ये भारत सरकार की वेबसाइट है, इस पर रजिस्ट्रेशन करना है और जैसे नौकरियां आएगी तो आपको कॉल से बुला लिया जाएगा और आपको नौकरी दे दी जाएगी। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट है, पहले यह जान लेते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों, तो इसमें आधार कार्ड आपको होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आधार कार्ड आपकी होनी चाहिए। और एक नंबर में सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में है आधार कार्ड, क्या है आधार कार्ड। उसके बाद दो नंबर में है UDID कार्ड या दिव्यांग प्रमाण पत्र। दिव्यांग प्रमाण पत्र आपके पास है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तीन नंबर में जो है आपके पास, आप क्या क्वालिफिकेशन रखे हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन या रेगुलर, जो भी शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक जो भी योग्यता है उसकी सर्टिफिकेट। अगर 10th की है तो भी हो जाएगा, 8th पास है तो भी हो जाएगा, 5 पास है फिर भी हो जाएगा, 12th पास है फिर भी हो जाएगा, BA है फिर भी हो जाएगा, इंजीनियर है, डिप्लोमा है, तो भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। इसकी मार्कशीट आपको अपलोड करने की आवश्यकता है। उसके बाद चार नंबर में पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो, आपको पासपोर्ट साइज का एक फोटो लगेगा। उसके बाद जो है सो मोबाइल नंबर भी आपको देना होगा, मोबाइल नंबर जो है सो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्या 6 नंबर में ईमेल आईडी भी आपको देने होंगे। UDID कार्ड नंबर नहीं है तो आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए। अगर UDID कार्ड है तो UDID कार्ड नंबर से ही यह अप्लाई होता है। तो इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स जो है सो आप रखिए, अपने पास रखिए। और बहुत जल्द एक दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको बताऊँगा कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है, ऑनलाइन खुद करके स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।